चौक इनपुट एल सी फिल्टर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। इसमें जिस फिल्टर का हम यूज़ करते हैं उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दो चीज़ें कंबाइन होती है, इसलिए इसे चौक इनपुट एल सी फिल्टर कहा जाता है। जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में कंबाइन होता है, जो इंडक्टर है वो लोड के साथ सीरीज में कंबाइन होता है। जो एल सी फिल्टर होता है उसे चौक इनपुट एल सी फिल्टर भी कहा जाता है। अगर हम एसी इनपुट, ये हमारी एसी इनपुट है जिसको हम रेक्टिफायर में इनपुट पे सप्लाई करते हैं। जब हम इस रेक्टिफायर में से इसे पास करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आती है, यानी ये जो डीसी प्योर नहीं होती, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स होते हैं। डीसी में एसी कंपोनेंट्स का प्रेजेंट होना रिपल्स कहा जाता है, और इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम इसमें जिस फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एलसी फिल्टर, जिसमें हमारा इंडक्टर हमारा लोड के साथ सीरीज में कंबाइन है और कैपेसिटर हमारा पैरेलल में कंबाइन है। जब इस रेक्टिफायर आउटपुट को हम इंडक्टर में से पास करते हैं तो हमारे लोड पे जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये जो हमारी ब्लैक लाइंस है ये हमारी फिल्टर आउटपुट को शो कर रही हैं, और डॉटेड लाइंस हमारी रेक्टिफायर आउटपुट को शो करती हैं। जो हमारी फिल्टर आउटपुट है, ये जो हमारी डॉटेड लाइंस हैं ये हमारी रेक्टिफायर आउटपुट को शो करती हैं। जो हमारी आउटपुट आती है, जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 100 हर्ट्ज़ तक होती है। इंडक्टर हाई अपोज करता है एसी कंपोनेंट्स को, उन्हें ब्लॉक करता है। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है वो होती है XL इज इक्वल टू 2πfL के। ये अलाउ डीसी कंपोनेंट्स को अलाउ करता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट्स हमारे रह जाते हैं, जो रिपल्स रह जाती हैं डीसी कंपोनेंट में एसी की, जो पास हो जाती हैं। और इस फिर ये जो फिर इसमें हम एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जो लोड रिएक्टेंस होती है जिसकी रिएक्टेंस होती है XC इज इक्वल टू 1/2πfC के, जो ऑलमोस्ट प्योर डीसी पहुंचाता है हमारे लोड तक, जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह की होती है। ये जो हमारी पर्पल कलर की लाइंस हैं ये हमारी शो कर रही हैं हमारी लोड की आउटपुट को, यानी कुछ इस तरह की आउटपुट हमें लोड पे मिलती है जो ऑलमोस्ट प्योर होती है। इसकी एडवांटेज ये होती है जो रिपल करंट होता है आउटपुट में, जो रिपल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये मोर ज़्यादा बल्की होता है और स्पेस लेता है।